हाय दोस्तों जी, एम न्यूज़ सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है कि मोबाइल से अपना थंबनेल कैसा बनाएं। लोगों को जो नया यूट्यूबर है बस उसको इतना ही पता है कि कंप्यूटर से थंबनेल बनाया जाता है और इसकी वजह से वो थंबनेल बना नहीं पाता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि थंबनेल कैसा बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर कर लूँ कि मेरे चैनल को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल वाला घंटी को ज़रूर दबाना ताकि मेरा नेक्स्ट करते हैं वीडियो के रहते चलते हैं। लेकिन आपको इस थंबनेल को बनाने के लिए एक ऐप्स की ज़रूरत होता है जो ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख पा रहा है कि ये मेरा प्ले स्टोर है, मैं इस पर जा रहा हूँ। और यहाँ जाके आपको यहाँ लिखना है PIC, जैसे कि मेरे पहले से इंस्टॉल है जिसकी वजह से इंटरफेस आ गया, मैंने यहाँ वो कर दिया है। और आपको यहाँ इंस्टॉल करना है, मेरा पहले से इंस्टॉल है जिसकी वजह से ओपन दिखा रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ही ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बैक स्क्रीन पे चला जाता हूँ और जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा होगा, ये लीजिए, ये देख लीजिए, मैं आ गया हूँ पिक्स आर्ट में। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ टच करना है। यहाँ टच करने के बाद थोड़ा समय लेगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात ज़रूर बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना और साथ में बेल वाला घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो और कुछ जानकारी दें तो आप तक पहुँच सकें। तो आपको जब इस पर टच करोगे तो ये प्लस वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप ओके करेगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जो गैलरी से फोटोज है यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो स्टडी एडिटिंग है, यहाँ आपको सर्च में आपको लिखना है अपना फ़ोटोज़ की साइज़, जैसे कि मैंने पहले से लिख के रखा था। यहाँ लिखना है 1920 x 1080 लिखना है। लिखने के बाद आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन में दिखाई देगा, विंग वाले पे ओके करना है। विंग वाले पे जैसे ही आपको करो तो इतना आपको पूरा बैकग्राउंड दिखाई देगा जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। आपको जो पसंद है वो कर लेना है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुझे समथिंग ये वाला चाहिए, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। लीजिए आ गया, और आपको देख लेना है कि ये आपके हिसाब से है या नहीं है। लेकिन आप कैसे देख पाओगे, ये जो आपका टॉल्स वाला ऑप्शन है, टॉल्स वाला ऑप्शन पे ओके करना है। टॉल्स वाले ओके करना, रिसेंस पे जाना है, ये वाला पे। जैसे आप रिसेंस पे जाओगे तो आपको अपना साइज़ दिखाई देगा। जब आप साइज़ दिख लोगे कि हाँ ये मेरा काम का है तो आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। जैसे आप कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद आपको ये 3 नंबर वाला ऑप्शन में दिखाई देगा, कुछ इफेक्ट वाला ऑप्शन है, आपको इफेक्ट में ओके करना है। इफेक्ट में ओके करने के बाद आपको देखना है लेंस ब्लर, आपको यहाँ जाना है लेंस ब्लर में। लेंस ब्लर में जाने के बाद आपको क्या करना है, डबल टैप करना है लेंस ब्लर में। डबल टैप करते ही जैसे कि आपको दिखाई देगा लाइट स्क्रीन को बिल्कुल 0 कर देना है। बाद में आपको जो रेडियंस है, रेडियंस को क्या करना है, पूरा हाई कर लेना है। मैं पूरा हाई नहीं कर रहा हूँ, 85 रख रहा हूँ समथिंग, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको वैसे ही कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से टिक मार्किंग ओके कर देना है, जैसे कि मेरा ये रेडी हो चुका है। और उसके बाद आपको थोड़ा स्किप करके जाना है ऐड फोटो में, ये देख पा रहे हैं, आपको ये ऐड फोटो में ऐड कर लेना है। जैसे आप ऐड फोटो में आप ऐड कर लेंगे तो आपका पूरा फोटोज़ आ जाएगा, आप जिसको ऐड करना चाहते जो फ़ोटो को, इस पर बहुत सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे, जितने फ़ोटोज़ हैं आपका। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ कि मुझे ये वाला फ़ोटो ऐड करना है। जैसे मैं ये इस पर ऐड किया तो ऊपर ऐड लिखा आएगा, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से ये वाला छोटा वाला कोना वाला बटन, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रही है, देखिए आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा घुमाना भी है तो यहाँ से घुमा सकते हैं, आपको जिसकी मर्ज़ी, आपको साइड से भी बड़ा कर सकता है, लेकिन मैं थोड़ा साइड से भी बड़ा कर लेता हूँ अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए होता है। ले लीजिए, मैंने इतना बड़ा कर चुका हूँ अपना फ़ोटोज़ को, और मैंने इसको एक साइड पे कर लेता हूँ। एक साइड पे कर लेने के बाद मुझे लिखना है इसलिए एक साइड में कर लिया। आप बीच में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपकी चॉइस है, आप जहाँ भी चाहे उसे रख सकते हैं। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये आपको नीचे 3 नंबर वाला ऑप्शन कटआउट देखा देगा, कटआउट में ओके कर लेता हूँ। कटआउट में जैसे इसके शॉर्ट में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही करना है। कटआउट पर ओके करने के बाद आपको ये पहले वाला ऑप्शन पर ओके करना है। लेकिन इसका काम क्या है, जो आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड है, जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है, वो पूरा रिमूव करेगा। देख लीजिए, मैं थोड़ा समय ले रहा है, मैंने इसको ओके किया है। देख लीजिए कुछ इस तरह से कलर आएगा। और इसके बाद आप ब्रश पे करोगे तो अपना हाथ से कर सकते हो मोबाइल से, नहीं तो आप ऑटो में कर दीजिएगा, ऑटो बैकग्राउंड हाइट में। तो मैंने ऑटो में कर दिया और जिसकी वजह से सेव वाला बटन पे कर दिया। तो आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं मेरा जो बैकग्राउंड का पूरा
बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है मेरा फ़ोटो का। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर लिया है, ये देख लीजिए मैंने बड़ा कर लिया है, और इसको साइड पे रख दिया है, या आप साइड से भी थोड़ा छोटा कर सकता है जैसे कि मैंने किया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसको अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको करना क्या है, आपको थोड़ा बॉर्डर लगा लेना है, जैसे कि आपको फ़ोटो में तो कुछ मैचिंग आ जाए। जैसे मैं बॉर्डर पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, 25 का है, मैं थोड़ा इस पर कम कर लेता हूँ, इसको मैं 12 कर लेता हूँ, यानी कि 12 कर लेता हूँ। 12 करने के बाद आपका आप यहाँ से कलर भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देख पा रहे स्क्रीन पर, अब जो कलर आपको पसंद है वही लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला पसंद है, मैंने ये लगा लिया है। अब यहाँ लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ टिक मार के वो करना है। अब देख सकता है मेरा थंबनेल का जो बैकग्राउंड और मेरा फ़ोटो है वो रेडी है। अब यहाँ आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको लिखना है क्या, थंबनेल मोबाइल में, थंबनेल मोबाइल में। तो आपको कैसा लिखना है, जैसे कि आप अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कैसा लिख सकता है। लेकिन आप रोटेशन कर लेता हूँ जिससे अच्छा हो जाएगा बनाने के लिए। ले लीजिए मैंने रोटेशन कर लिया है, तो अब क्या करना है आपको, उसके लिए एक बॉर्डर चूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ड्रॉ वाला ऑप्शन, ये वाला ड्रॉ वाला ऑप्शन, आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है, फिर से जब आप ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ जो एक राउंड वाला और स्क्वायर वाला, इसके बीच में प्लस है, इसको ओके करना है। जैसे आप इसको ओके करोगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पे आपका इंटरफेस आ जाएगा, पहले यह वाले पे, फिर बाद में आप नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको यहाँ फिल वाला ऑप्शन देखेगा, यहाँ ओके कर लेना। ओके कर लेने के बाद आपको यहाँ ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि मुझे कौन सा बॉर्डर चाहिए होता है। जैसे कि मैंने ये देखिए स्क्रीन पर, मैंने आप कहीं से भी हाथ खींचोगे तो आ जाएगा। ये देखिए मैंने बना रहा हूँ अभी एक बॉर्डर, यहाँ लिखना है थंबनेल, तो इतना ही साइज काफ़ी है थंबनेल लिखने के लिए। तो आप यहाँ से थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं जो अच्छा दिखने को लगे, मैंने थोड़ा टेढ़ा कर लिया है। तो अब ये मेरा हो गया एक बॉर्डर है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता है इसका। जैसे कि देख पा रहा है मैंने इस पर रेड कलर लगाई है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लेना है, जैसे कि मैंने लगा लिया है। आप इसके बाद क्या करना है, यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है, यहाँ मैंने थंबनेल लिख के टिक पे क्लिक कर दिया। अब क्या है, मुझे दूसरा भी बॉर्डर बनाना है, तो ये सेम प्रोसेस है, वहाँ से फिर से आपको ड्रॉ में जाना है, सॉरी मेरा, आपको यहाँ से फिर से ड्रॉ में जाना है, ड्रॉ में जाने के फिर से ड्रॉ में, और उसके बाद आपको फिर से वही वाला ऑप्शन, जब वो वाला ऑप्शन आएगा यहाँ क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ फिर से वही। वो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ फिर से लाइन खींचना है, देख लीजिए अब जितना खींचोगे, ये थोड़ा बड़ा ले लूँगा क्योंकि यहाँ दो लिखने वाला हूँ कि मोबाइल से, पहले तो थंबनेल लिखूँगा पहले वाले में, और इस पर दो लिखने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप पूरे सीधे तरह बैठा लीजिएगा जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे, ताकि अच्छे सो लगे। ये देख लीजिए कैसा किस तरह कर रहा हूँ, थोड़ा इसको बड़ा होना चाहिए क्योंकि इस पर लिखने वाला ज़्यादा हूँ, मोबाइल से ऊपर तो सिर्फ थंबनेल लिखने वाला हूँ, यहाँ मोबाइल से लिखने वाला हूँ। आप ऊपर वाले जो है आप उस पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा, नीचे वाले में हिंदी में कुछ अच्छा हो जाएगा, या बंगाली में लिख सकते हैं, या आप जहाँ के रहने वाले हो, लेकिन पहले ऊपर वाले थंबनेल इंग्लिश में ही लिखना चाहिए क्योंकि आजकल लोगों को ज़्यादा इंग्लिश समझ में आती है। और यहाँ आपको कलर्स चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, पहले वाला रेड किया था, यहाँ ब्लैक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ ब्लैक कर लिया हूँ, ब्लैक ओके कर दिया हूँ, अब ये ब्लैक हो चुका है। अब इसको क्या करना है, इसको हम टिक पे जाते हैं, जैसे ये टिक पे आ जाते हैं, आपको क्या करना है, टेक्स्ट करना है, यानी कि इस पर कुछ लिखना है। अब इस पर लिखना कैसा है, थंबनेल रेडी हो चुका है, बस इस पर सिर्फ टेक्स्ट करना है, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर आएगा तो आपको ये टेक्स्ट वाला बटन में आएगा, अब टेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे आप टेक्स्ट पे ओके करोगे, जैसे आप टेक्स्ट पे ओके करोगे, सेंटर में कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस, अब इसको टच करते ही पूरा आपका कीबोर्ड आ जाएगा। तो मैं जो पहले वाले पर लिखने वाला हूँ थंबनेल, तो आपको थंबनेल लिख देना है, मेरा पहले से लिखा हुआ है, मैंने पेस्ट कर दिया, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसकी वजह से। जैसे कि मैंने थंबनेल लिख दिया, उसके बाद डन कर दिया, डन करने के बाद ये सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर में आने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, अगर गलत होगा तो कट के सही कर सकता है, नहीं तो फिर से आपको ये टिक पर ओके करना है। जैसे कि आप टिक पर ओके करोगे,
जैसे कि आप टिक पे होकर करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यानी कि आप थोड़ा बड़ा करने के लिए, और यहाँ से आप राउंड कर सकते हैं सेम प्रोसेस से पहले वाला। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे ले आना है। ये देख लीजिए मैं कैसे ला रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही सेम स्क्रीन पे टच करके लाना है और थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा ताकि बॉक्स में आ जाए कुछ इस तरह से करना है। ये देख लीजिए मैंने कैसा किया है, टाइम कम होने की वजह से हम अब अच्छे से भी कर सकते थे, टाइम कम होने की वजह से मैंने कैसे भी कर दिया है, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से। और यहाँ से खींच के थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं इसको। ये लीजिए मेरा थंबनेल का पहला वाला थंबनेल लिखा हो गया। अब यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कलर हैं आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, कौन सा कलर चूज़ करना है। जैसे कि मैंने इस पर ये वाला कलर चूज़ किया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ टिक मार्क कर देना है, यहाँ टिक कर दिया। जैसे ही आप टिक मार्क कर देंगे तो फिर से आपको वही सेम प्रोसेस टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ लिखना है, जैसे कि आप देख पाए स्क्रीन पे मैं सेटिंग्स पे गया हूँ, थोड़ा इस पर बंगाली में लिख देता हूँ तो अच्छा होगा, जब कि मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। तो आप भी किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये आ गया। और आने के बाद मुझे इस पर बंगला का ऑन करना है, जैसे कि ये वाला बंगला वाला ओके किया और इंग्लिश वाला बंद कर चुका हूँ। तब मुझे फिर बैक बटन पे दबा कर बैक पे आना है। जैसे मैं इस पर अब टच करूँगा तो ये बंगाली लिखा आएगा, आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ लिखना है मोबाइल से, यानी कि ये मेरा पहले से ही है, तो मैंने कुछ इस पर इस तरह लिख दिया जो बंगाली लैंग्वेज होता है, मोबाइल दिए। अब इसको डन कर लेना है, डन करने के बाद टिक मार्क पे ओके कर देना है। जैसे आप टिक मार्क पे ओके करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। जब आप बड़ा कर लोगे तो पहले आपका ये रोटेशन ठीक कर लेना है कि मुझे किस तरह इस पर बैठाना है, और इसके ऊपर ले जाके उसके हिसाब से खींच के बड़ा कर देना है। जैसे कि अब डिस्प्ले पे बिल्कुल देख पा रहा है, अगर ये ज़्यादा मोटा हो जाता है इससे आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं और सही तरह से बैठा भी सकते हैं। इस पर कुछ इफ़ेक्ट हो गया है, मैं अभी सही करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए अभी थोड़ा सही हो गया है, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, फिर भी ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इस पर। लेकिन जैसे कि आपका ये हो गया है, अब यहाँ से भी कलर चेंज कर सकता है, या ये जो इसे भी चेंज कर सकता है कैसा लिखना है आपको। आप इसका वैराइटीज़ भी चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी भी। ये देख लीजिए मुझे इस तरह ही रखना है। उसके बाद थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पर हो गया है। और देखिए ये जैसे कि हो गया है, आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। पहले वाला अगर ऐसा कलर रखा हूँ तो इसको ऐसा रखूँगा तो अच्छा ही होगा। अब इसको ऐसा होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ टिक मार्क ओके कर देना है। जैसे आप टिक मार्क ओके कर दोगे तो आपका ये लीजिए थंबनेल रेडी हो चुका है। अब थंबनेल जब रेडी हो जाएगा आपका, आप नीचे भी कुछ लिख सकते थे लेकिन उतना टाइम नहीं है वीडियो में, थोड़ा कम शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन थंबनेल जितना होता है उतना बताया है। अब इसको सबसे ऊपर वाले बटन पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करो तो आपको आ जाएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस, लेकिन आपको सेफ गैलरी में कर लेना है। सेफ गैलरी में जैसे आप वो करोगे वो सेफ ही होने लगेगा। ये लीजिए आपका सेफ गैलरी में हो गया। अब क्या करना है, मैं बैक स्क्रीन पे जाके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मेरा वो गैलरी में सेफ हो चुका है। ये देखिए आपके सामने जो बनाया इस स्क्रीन पे देख लीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको गैलरी पे। ये लीजिए ये मेरा थंबनेल है, मैंने आपके सामने यही बनाया था। और आप भी ऐसा बना सकते हैं थंबनेल, आप अपने कुछ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, ये आपके हिसाब से है। तो चलिए दोस्तों अभी बैक स्क्रीन पे आ ही जाता हूँ। चलिए दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी वीडियो अगली बार की वीडियो आपकी मोबाइल में ऑटोमेटिकली चला जाए और आप देख सकें। चलिए अब ले जाते हैं इजाज़।